भाई ये देखें, ये अभी रश होना शुरू हो गया, लंच वक्फा हुआ है, ये लोग आना शुरू हो गए। 60 रुपए का भाई ये चना पुलाव भाई, 70 रुपए का हो गया भाई। रहमान भाई आपकी वीडियो देख के उन्होंने 70 रुपए 10 रुपए बढ़ा दिए, 10 रुपए बढ़ा दिए भाई। ये देखे माशाल्लाह भाई, ये है चना पुलाव पे रश, ये देखे माशाल्लाह भाई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज हमारी मंजिल है नाज़माबाद, और ये नाज़माबाद 2 नंबर कहलाता है। हाँ, 2 नंबर कहलाता है, 2 नंबर का ये स्टॉप है, और यहीं से सीधा रास्ता जा रहा है कैफे अब्बास और रशीद कोरमा गली, सीधा रास्ता पापोस की तरफ जा रही है गली, उसी के कोने में आपको मिलते हैं भाई ज़बरदस्त किस्म का पुलाव, और ये बड़ा मशहूर है चना पुलाव। हाँ, रहमान भाई ने बनाया, रहमान भाई की रिकमेंडेशन पे आया है, रहमान भाई ने कहा भाई चना पुलाव बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन इनका पुलाव भी बहुत अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, मजबूत है। और देखें माशाल्लाह रश भी है, लोगों का आ रहे हैं, खा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा लोग पुलाव ही खा रहे हैं इनका आगे, ओह चना पुलाव ही ट्राई कर रहे हैं आगे। अच्छा जी, इनके अलावा और भी चीज़ें वो भी ट्राई करेंगे, देखते क्या क्या है। और चना पुलाव रहमान भाई ने तो खा लिया, लेकिन रहमान भाई को भी खिलाएंगे, खुद भी खा कर रिव्यू देंगे कि वाकई रहमान भाई ने जितनी तारीफ़ की है उतना अच्छा है यार। रहमान भाई का उस दिन दिल भूख ज़्यादा लग रही थी भाई साहब। ये है चना पुलाव पे रश, हैदराबादी का मशहूर मलक पुलाव। अच्छा भाई, तो ये रास्ता आ रहा है साइड एरिया से अभी बेग चौरंगी से, और ये जा रहा है नाज़माबाद अंडर बाईपास की तरफ, और ये पेडिसन ब्रिज है, ये आपको यहाँ कोने पे नज़र आएंगे, और ये गली जा रही पापोश की तरफ, यहाँ पर कैफे रशीद कोरमा, कैफे अब्बास की चाय, और बड़ी मुमताज़ यानी बड़ी मशहूर है। तो सामने है भाई, ये भाई ये इनके पास कोरमा भी है, चिकन बिरयानी भी है, और ये पुलाव चना पुलाव सबसे मशहूर है, और ये चिकन कोरमा है भाई। चिकन कोरमा में क्या प्लेट है? 200 रुपए की पाव भाई, 200 रुपए पाव। एक दफा खाओगे तो आपको मजा आएगा। क्या कह रहे भाई? एक दफा खाओगे तो आपको पता चलेगा ना क्या। रशीद का कोरमा बड़ा मशहूर है, उसके अलावा तो यहाँ कोई टक्कर ही नहीं। हाँ, ये अच्छा, ये भी मान रहे भाई। बीफ कोरमा। अब कैसी है चाचा बिरयानी? भाई बहुत दूर से इसके चावल का, कहाँ से खाने के लिए आए? बलिया टाउन से। बलिया टाउन, मजा आ गया? बहुत मजेदार है, जबरदस्त। कितने की प्लेट है? सस्ते देते भाई, 100 रुपए की 1.5 पाव देते। 1.5 पाव में पेट भर जाता है अपने, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आउटडोर वाले काम वाले लग रहे हो, घूमते फिर रहा। अच्छा, घूमने फिरने वाले का जैसा काम बाहर का है उसको पता था कहाँ अच्छी चीज मिल रही है, तो नाज़माबाद आना है तो यही खाना है इनका पुलाव जी। कहाँ कहाँ घूमते रहते हो? इनका पुलाव खाना होता है, पूरा शहर घूम रहे होते हो जी। तो 70 रुपए क्लास एवन है, बेहतरीन है, मजा आ गया, बेहतरीन मजा। चना पुलाव सबसे ज्यादा पसंद कहाँ कहाँ था आपको इसके अलावा? सबसे बेहतरीन तो इनका है, इनका है। उसके बाद एक नाज़माबाद में और है, नाज़माबाद में और है, नाज़माबाद में 2 पॉइंट है आपके नज़र में, ठीक है भाई, जबरदस्त। भाई कितने पार्सल ले लिए? कितने पार्सल? 4 पार्सल एवन है ये। अच्छा भाईजान, देखिए सिर्फ कराची से नहीं बल्कि कराची से बाहर से भी आते, कहाँ से आए आप? भाईजान मैं अब चौकी सागरा रोड से आया हूँ, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ मैं ख्वाहिश होते इस भाई से बिरयानी लाजमी खाऊं, बड़ा टेस्टी बिरयानी है, जबरदस्त है, और दूसरे दिल को भारी नहीं करते। अच्छा, और वे भी जबरदस्त, ज्यादा भी अच्छे है माशाल्लाह, और हर चीज का निज़ाम अच्छा है, सब चीज़ हो गया। मेन बात ये है कि सबसे सस्ते भी है, सस्ता भी यही है, इस वजह से हम लोग जो ना यू टर्न मार के ना लाजमी यहाँ से आते, जबरदस्त जबरदस्त भाई। तो जरा पुलाव भी निकालते ही देखे भाई, ये आ गया भाई माशाल्लाह पुलाव। तो अपनी कितने वाली प्लेट है? 70 वाली है ना ये जो बन रही है अभी जी। चले भाई, 70 वाली हमारा चना पुलाव, ये आ गया भाई ज़बरदस्त, और ये आ गया चम्मच, और साथ में कुछ ये आ गया भाई, आइसबर्ग वगैरह डल गया, ठीक है। और क्या है भाई? बिरयानी। हाँ भाई, तो यार लड़के ज़रा बिरयानी निकाल दो भाई, ये देखिए भाई, ये चिकन बिरयानी अपनी है, ये देखिए भाई, ये चिकन बिरयानी आ गई हमारी, क्या बात है भाई, बेहतरीन हो गया। ये आ गई भाई चिकन बिरयानी हमारी, और बिरयानी वाली प्लेट कितने वाली है हमारी? 120 वाली। तो भाई 120 वाली बिरयानी की। अच्छा, इस बोटी भी है इसमें साथ में, आलू वाली है बोटी के साथ है, ज़बरदस्त भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई हम तो चना पुलाव खाने आए, तो रहमान भाई ने कहा चना पुलाव क्यों, चिकन पुलाव भी खाते। मैंने कहा जरा बिरयानी, हाँ मैंने कहा बिरयानी भी ले ले भाई, 120 रुपए की है। 120 रुपए की? हाँ, 120 रुपए बहुत सस्ती है। हाँ, बोटी बोटी के साथ, बोटी के साथ। अच्छा भाई देखिए, देखने में अच्छा कलर वाला ठीक है, और सेला चावल है बड़ा बड़ा सही है, जो होता है जो नॉर्मल होती है, दिख रहा सही है, क्वांटिटी के हिसाब से तो सही है। अब आप टेस्ट करो इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बिरयानी मैंने भी नहीं खाई थी पिछली दफ़े, पुलाव ही खाया था, बिरयानी मैं भी आज पहली दफ़ा ट्राई करूँगा। यार रहमान भाई रिकमेंडेशन आपकी बहुत अच्छी है यार, सही लगा पुलाव करें, कसम से बस कराची के वन ऑफ द बेस्ट चना पुलाव में है ये, थोड़ा सा स्पाइसी है, और इसका स्टाइल ना आपको जैसे आपको मैं क्या बोलूँ, जैसे आप देख में बनवाते हो ना चना पुलाव, ये वो स्टाइल है, पतीले वाला नहीं है। मेरे पास वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स आए थे ना, 95% पॉजिटिव कमेंट्स थे, सब कह रहे थे कि हमने खाया है और बहुत मजे का होता है, मतलब रोड साइड पे आपको ये जायका मिल रहा है। आज भी ट्राई करना है आपने, ये नाज़माबाद 2 नंबर, और ये पेडिसन ब्रिज है, मैं आपको जरा लोकेशन समझा दूँगा उसके बाद। मगर एक बार चावल खिला खिला सा है,
क्वालिटी बहुत अच्छी, 70 रुपये में एक आम सा आदमी का पेट भर जाएगा, यानी एक अच्छी खुराक हो तो 100-150 रुपये में तो आपको मज़े से भरेगा, मज़े से भरेगा। तीखा स्पाइसी है और सबसे बड़ी बात चावलों में बहुत जान है, बहुत जायका है यार। अच्छा एक बात है कि हम लोगों ने वैसे इनका कोरमा ट्राई नहीं किया, फिर कभी होगा करेंगे, लेकिन लोग कोरमे की भी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा भाई कोरमा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होता है तो, और बिरयानी भी मैंने खाई, थोड़ी स्पाइसी हो रही है। बहुत अच्छी है यार, प्रॉपर जायका है यार, जैसे होता है 70 रुपये ले रहे हैं यार, जायका नहीं होगा, लेकिन अभी देखिए माशाल्लाह बस बढ़ता जा रहा है, कितने वक्त होगा क्योंकि अभी 1 बजे 2 बजे तक, उसके बाद से लोग आना शुरू हो जाते हैं ना ज़रा रश करते हैं। अब आप ज़रा बिरयानी खाएँगे, बिरयानी हो रही है बहुत स्पाइसी, स्पाइसी मसाला थोड़ा डाला हुआ है माशाल्लाह यार। अभी चना पुलाव दोबारा खाऊं, चना पुलाव वाकई मज़े का है इनका यार। आप बिरयानी इसकी अच्छा शीर भी नहीं है भाई, अच्छी है, मगर अब आप ये खा लोगे ना पहले, हाँ कुछ भी नहीं लगेगा। चना पुलाव चिकन बिरयानी को आगे आ रहा है, बीट कर रहा है, बीट कर रहा है माशाल्लाह यार, मतलब ये खा के फिर ये खाते तो शायद बैलेंस हो जाता, लेकिन उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। अभी आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अभी ज़रा खाएं, हैदराबादी चना पुलाव के नाम से इस तरह से माशाल्लाह जबरदस्त भाई, तो बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार आइएगा लाजमी खाइएगा। यहाँ से गुजर रहे हो तो उसके लिए स्पेशली रुकिएगा, जितना लोग रुकते हैं तो लोकेशन समझा दी, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।